अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। अरे बाल्टी डाल, बाल्टी से बाल्टी लेके आ डाल उसके। पानी है ना, अरे मत दे पानी, डाल डाल डाल। मोदी बंगला जुक्की बस्ती में बहुत तेज आग लग गई है। अमित आगे बच्चा रहे भाई, अमित हाँ ये तो है। वो वाले मशीन वाले हम लोग जाएगी, उससे बुझ जाएगी, यहीं कहीं और हो जाएगी, इधर बुझ जाएगी। बोल लाओ बोल लाओ बोल लाओ, इससे कहीं नहीं होगा क्या? डालो 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 भैया, इधर दे दो बोल को। तो दो तीन टंकी आते हैं इनकी, इनकी चूत में लंडे भर दो। जैसे की आग लगी यहाँ पे, क्या पूरा मामला है? टंकी फूटने से कहीं होगी, लग गया। कितने कितने घरों में आग लगी है यहाँ पे? दस बारह घरों में लगी है। अभी क्या स्थिति यहाँ पे? अभी तो थोड़ी ठीक है, फायर ब्रिगेड है यहाँ पे, वो आ जाते काम ही हो जाता वो यहाँ पे। अभी ये शिवाजी नगर क्या हुआ, क्या था यहाँ पे? ये कई मैडम कई हुई और कई नहीं, हमारे भी नहीं पता। हम ये काम पर नहीं गए थे, अभी फोन लगाया, ये काफी तड़का फूट गया इसके, वही का। कितने घरों में आग लगी यहाँ पे अभी? ये 10-12 होगा। 10-12 घरों में लगी आग? ये 10-12 होगा। तो अभी फायर ब्रिगेड पहुँची क्या? नहीं पहुँची अभी, कई मैडम। कुछ मालूम पड़ा कैसे आग लगी थी, क्या कारण था? वो टंकी फूट गई, टंकी फूटी। आपका नाम? मेरा आपका है। ये शिवाजी नगर में बस्ती में गैस सिलेंडर ब्लास्ट के कारण आग लगी थी, जो समय पर बुझा ली गई है। किसी जान माल की हानि नहीं हुई है भगवान की दया से, तो जो भी नुकसान हुआ है खैर उसकी भरपाई तो हो जाएगी, और जो परिवार हैं जो बेघर हुए हैं उनको सही जगह पे आज टेम्प्ररी पहुंचा दिया जाएगा, और उनको जो भी मुआवजा होगा ज़रूर मिलेगा। कितने घरों में करीब आग लग गई राजे? तीन टंकियाँ फूटी हैं काफी। कितने घर हो गए? चार से पाँच झोपड़ियों में लगी, इससे ज़्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है। मोती बंगला क्षेत्र में आगजनी की सूचना प्राप्त हुई थी, कंट्रोल के माध्यम से तत्काल फायर को कॉल किया गया, साथ ही साथ पुलिस और प्रशासन की टीमें यहां पहुंची और फायर ब्रिगेड की मदद से जो है वो आग पर काबू पाया गया। और साथ ही साथ जो BNP क्षेत्र है यहां पर बैंक नोट प्रेस में फायर ब्रिगेड फायर का अलग से एक अच्छा सिस्टम है, तो उनको भी कॉल किया गया और उनकी भी टीम है यहां के मौके पे आग बुझाएगी और लगभग आग पर काबू पाया गया। क्या क्या कारण था सर? अभी कारण सामने नहीं आया, इसमें आगजनी रजिस्टर करने के पश्चात जो है इसमें जाँच की जाएगी कि क्या कारण था जिस कारण से यहाँ आग लगी। सर कुछ ब्लास्ट के वीडियो भी जो है लगातार चल रहे हैं, तो इस संबंध में तस्दीक की जाएगी कि वो किस चीज़ के ब्लास्ट है। बात कार्रवाई सर, ये लगभग 4-5 घर के जिनमें आग लगी सर। यहाँ पर टंकियाँ दिख रही फूटी, कितनी टंकियाँ फूटी? कितने लोगों का परिवार यहाँ पर रहता सर? जिन जहाँ आग लगी वो लगभग 4-5 घर थे जहाँ पर आग लगी, और किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है। सर कितनी टंकियाँ फूटी यहाँ पर, टंकियाँ दिख रही है? ये देखने के पश्चात ही जो है ना मैं बता पाऊँगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। मोती बंगला में जो बस्ती बसी हुई है यहाँ पे आग लगने की घटना हुई। प्रथम दृष्टया हम देख पा रहे हैं कि सिलेंडर ब्लास्ट, जो कि खाना बनाते समय सिलेंडर
गैस हुआ, उसकी वजह से यहाँ पर आग लगी है। हमारी पूरी टीम आ गई है, नगर निगम की टीम भी यहाँ पर उपस्थित है, पुलिस का पूरा अमला उपस्थित है और लगभग आग को मैम लगभग कितनी झुग्गी में आग लगी है जी? अभी तो हमको पूरा इस पे सर्वे करवाना पड़ेगा, पटवारी को भी अभी आ रहे हैं तो उनसे मैंने पूरा डिटेल लिखने के लिए बता दिया कितना क्या नुकसानी हुई है। मैम नगर निगम की जो दमकल विभाग का जो है पूरा स्टाफ यहीं से सिर्फ महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन एंड समय तक काफी आग लगने के बाद तक नहीं आनी पहुंच सका है। जी, नगर निगम के संबंध में चर्चा अगर आप कमिश्नर सर से करेंगे तो ज्यादा उचित रहेगा, उसकी जानकारी अभी मिलेगा। मैम कई पीड़ितों के घर भी जल चुके, क्या मतलब कुछ मुआवजा वगैरह दिया जाएगा? देखिए प्राकृतिक प्रकोप में हम लोग RBC के तहत जो भी सहायता राशि होती है वो उपलब्ध कराते हैं। हम एक सर्वे करवा लेंगे और उसमें RBC 6-4 के अंतर्गत आएगा तो हम। लेकिन मैडम अभी उन लोगों की क्या स्थिति रहेगी, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या व्यवस्था रहेगी? हम लोग इनको या तो मैडम कितनी टंकी फूटी यहाँ पे अभी? अभी हमारे देखने में एक छोटी टंकी और एक बड़ी टंकी आई है, फिर जैसा भी पुलिस की जांच में आता है। मैम क्या मानते हैं यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर पर फायर स्टेशन है और फिर भी गाड़ी बहुत देर से पकड़ पहुँची है? आपको बताया है ताला लगा था वहाँ पर। नगर निगम के संबंध में जानकारी मेरे पास में उपलब्ध नहीं है, मैं जब यहाँ पहुँची मेरी फायर से बात हो चुकी थी तो वो यहाँ पर उपलब्ध अभी। अभी क्या स्थिति मैडम यहाँ की? जी लगभग आग बुझ गई है, हम देख कंट्रोल में है, कंट्रोल में है, आप देख सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।